क्लास फर्स्ट ईयर माय चैप्टर रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश किसी यौगिक की एक से अधिक लुईस संरचनाएं यदि संभव है तो अधिक स्थायी संरचना को स्पष्ट करने के लिए फॉर्मल आवेश संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। वे संरचनाएं जिनके परमाणुओं का फॉर्मल आवेश शून्य होता अधिक स्थायी होते, और यदि किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश अवश्यंभावी है, मतलब अवश्य ही उसकी संभावना है, तो कम फॉर्मल आवेश की संरचनाएं अधिक स्थायी होती है। अब फॉर्मल आवेश किसी संरचना या लुईस बिंदु सूत्र में किस प्रकार से आता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं N2O की संरचना। जैसा कि आपको पता ही है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.5 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.6 होता है। यदि इस प्रकार की किसी संरचना को आप बनाने का प्रयास करते हैं तो संयोजकता के नियमों को फॉलो करना। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अतिरिक्त नाइट्रोजन जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑक्सीजन जिसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। संरचना आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 प्रदर्शित है। यहां नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 प्रदर्शित है और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब इनमें जो भी बॉन्डिंग्स होंगी वो संयोजकता के नियमों के अनुसार होंगी, जैसे कि सिंगल बॉन्ड तो 5 और एक 6। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन संयोग कर देता है तो 7, और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो इसे यहां से प्राप्त होगा वो इसके ऊपर माइनस चार्ज लाएगा, क्योंकि यह दाता है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा। इनके बीच में सह संयोजक बंध निर्मित हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 अष्टक कोण हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 7 प्लस 1 8 अष्टक कोण हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 7 और 1 इसको प्राप्त हुआ। तो ये जो आवेश आप यहां पर देख रहे हैं इन आवेशों को ही फॉर्मल आवेश कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो आप यहां देख रहे हैं इन्हें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में है। यदि संरचना के द्वारा आप फॉर्मल आवेश ज्ञात करने में सक्षम नहीं हो पाते तो इसके लिए सूत्र की व्यवस्था भी है। किसी मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लुईस संरचना में आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा और अनाबंधी
की संख्या के आधार पर फॉर्मल आवेश की गणना की जाती है। अब जैसे यदि हम इस इलेक्ट्रॉन इस तत्व के इस परमाणु पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की गणना करना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, 5। एक बटा दो गुणे लुईस संरचना में आबंधी इलेक्ट्रॉन। कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप देखेंगे यहां दो बॉन्ड निर्मित हो रहे हैं, इसका मतलब है अनिवार्य रूप से आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अवश्य हो जाएगी। और जब इनकी संख्या 4 हो जाती है तो 4 का आधा यानी कि 2। नीचे हम लाते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 6, और 5 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो आता है -1, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शित। यदि हम इसी प्रोसेस को इस इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के लिए लागू करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ आपको आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 दिख रही है, जबकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनाबंधी नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया है, इसलिए इसकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन 0। 5 - 4 यानी कि +1, ये घटाने पर संख्या प्राप्त होती, +1 आ गया। ठीक, अब यदि ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश देखना है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, लुईस संरचना में आबंधी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आबंधी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है कुल मिलाकर, और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। इन दोनों को आपने ऐड किया, वैल्यू आई 8, इसको आपने माइनस किया तो वैल्यू आई -2। अब यदि इसको इस प्रकार से देख रहे हैं तो -2, क्या यहाँ पर कमी रह गई? हमने लुईस संरचना के आबंधी इलेक्ट्रॉनों को आधा नहीं किया। आधा करने का मतलब है कि आधा क्यों किया जाता, उसके पीछे का कारण ये है कि इस बॉन्ड में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन 2 ही इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए 1/2 गुणे लुईस संरचना के आबंधी यानी 2, जोड़ने पर कितना हो गया? 6। 6 में से 6 गया, संख्या क्या बची? 0, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल आवेश की उत्पत्ति नहीं होगी, उसका कोई भी मान नहीं होगा। इसी तरीके से अष्टक नियमों के सिद्धांतों के आधार पर सल्फर के कुछ यौगिकों की संरचनाएं दी जा सकती हैं, जिसमें सल्फेट आयन प्रमुख रूप से है। अष्टक नियम यानी जो संयोजकता के लिए एक अनिवार्य अवयव है, को कुछ ऐसे तत्व या यौगिक या पदार्थ ऐसे हैं जो इन नियमों का विरोध करते हैं, इसे अष्टक नियम के अपवाद कहते हैं। अष्टक नियम के अपवाद, ये अपवाद क्यों है अष्टक नियम से संबंधित? प्रत्येक परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ वैद्युत संयोजी यौगिक जैसे लिथियम और बेरिलियम की बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो जब वो दो ही इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करेगा तो आठ इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, तो ये एक अष्टक नियम का अपवाद हो गया। आवर्त सारणी में संक्रमण धातुएं जिनके वायुकोश में 9 से लेकर 17 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 9 से लेकर 17 इलेक्ट्रॉनों की, वे भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते। जो सहसंयोजी यौगिक विषम इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणु से तात्पर्य यह है कि वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही विषम होती है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहलाते हैं, और इनमें अष्टक नियम बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। जैसे BeCl2, BF3, PCl5, ICl3, NO2, NO और ClO2 प्रकार के यौगिक। क्यों? अब जैसे कि नाइट्रोजन ले लीजिए, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.5, विषम गिनती प्राप्त हुई। क्लोरीन ले लीजिए, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.87, विषम गिनती प्राप्त हुई। तो जिनमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उनमें अष्टक नियम लागू नहीं किया जा सकता। अष्टक नियम में इसी प्रकार के अपवाद हैं। अष्टक नियम के विचलन की व्याख्या दो प्रकार के सिद्धांतों से की जाती है। पहला, सिडविक का अधिकतम संयोजकता नियम, सिडविक का अधिकतम संयोजकता नियम, और दूसरा नियम सगडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध। सगडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध, इनकी सहायता से अष्टक नियमों के अपवादों की व्याख्या की जा सकती है। पहला, सिडविक का अधिकतम संयोजकता। इस नियम के अनुसार किसी तत्व की अधिकतम संयोजकता उस आवर्त पर निर्भर करती है जिसमें वो उपस्थित होता। पहले आवर्त में अधिकतम संयोजकता 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, ठीक, और चौथे के अतिरिक्त अन्य सभी। यह आवश्यक नहीं है कि कोई तत्व यौगिक बनाते समय सदैव अपनी अधिकतम संयोजकता ही प्रदर्शित करेगा। यदि कम संयोजकता से यौगिक बनता है तो तत्व अष्टक पूरे किए बिना ही यौगिक का निर्माण कर लेगा। इसी आधार पर PCl5 और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड इत्यादि यौगिकों की व्याख्या की जाती है। सगडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहता है कि किसी यौगिक की संरचना के बनने में कुल जितने बंध निर्मित हुए हैं उन बंधों की संख्या में से अष्टक पूर्ण करने वाले बंधों की संख्या को घटाने पर एकल बंधों की संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ऐसा अष्टक नियम के अनुसार होता। यदि किसी यौगिक में अधिक बंध का बनना जरूरी हो जाए तो कुछ एकल बंध बनते हैं जिनमें परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इसे अर्ध तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्ध तीर मतलब इस प्रकार, जहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है।
यदि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो उसे ऐसे भी दिखाते हैं, लेकिन इसके स्थान पर बॉन्ड प्रयोग हो जाता है तो इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे ही संघनन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। तो एकल बंधों की संख्या को कुल बंधों की संख्या में से अष्टक पूर्ण करने वाले बंधों की संख्या को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर PCl5 1, 2, 3, 4, 5 ये एकल सद्धैन के एकल इलेक्ट्रॉन बंध को प्रदर्शित करने वाले अवयव हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इन दो को अर्ध तीरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इन्हें पूर्ण, तो ये पूर्ण बंध बनाने वाले हैं। और ये जो कुल मिलाकर इस प्रकार के तीरों से प्रदर्शित हैं, जिनके मध्य में केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो कुल बंधों की संख्या आपको 5 दिख रही है, अष्टक पूर्ण करने वाले बंधों की संख्या 3 दिख रही है, तो एकल बंधों की संख्या यहाँ पर 2 है, और वो 2 हमें इस स्थान पर दिख जाते हैं। तो इसे ही संघनन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध सिद्धांत कहते हैं, जो अष्टक नियम के विचलन की व्याख्या करता है। संयोजकता के इन नियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं दिखाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के यौगिकों और विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनने वाली इन संरचनाओं को लुईस बिंदु सूत्र कहा जाता है। ठीक इस प्रकार के लुईस संरचना सूत्रों से हमें यौगिक का बंध सूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी आपने इस संरचना को देखा, यह संरचना लुईस संरचना सूत्र को प्रदर्शित कर रही है। जब हम इसे इस प्रकार से लिख दें कि N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस प्रदर्शित कर दें तो इसे बंध सूत्र कहा जाएगा। और माइनस प्लस दिखाया है फॉर्मल आवेश की वजह से, संरचना में इसे प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी। यदि वैद्युत संयोजी प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, जहां इलेक्ट्रॉनों का अनिवार्य आदान प्रदान हुआ, वहां पर इसे प्रदर्शित कर दिया जाएगा, तो ये बंध सूत्र कहलाएगा और इसे लुईस संरचना सूत्र कहेंगे। फिलहाल फॉर्मलावेश अष्टक नियम के अपवाद सिडविक अधिकतम संयोजकता नियम और संघनन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध निर्मित होने के प्रारूप में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम अनुनाद और अनुनाद संरचनाओं के बारे में, यानी कि जो एक से अधिक प्रकार की संरचना प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।